आप सब या हम सब यूं कहिए, 7-8 सालों से क्या देख रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। और ये बात आदरणीय राहुल गांधी जी भी बखूबी समझते हैं, इसलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा की और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला और लोगों का जो जन समर्थन प्राप्त हुआ उसे ये लगा कि आज भी गांधी जिंदा है। और जो गोडसे के चाहने वाले लोग हैं, जो हिंसा के पुजारी हैं, वह अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के बाद कोई भी गांधी को देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसी भी रचना रखी, उन्होंने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जैसे ही आदरणीय राहुल गांधी जी का फैसला आया तुरंत से आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई। फैसला किस मामले में आया? फैसला इस मामले में आया कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने चोर को चोर कह दिया, चोर को चोर कहा, कहा नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, मेहुल चौकसी चोर है। चोर ही तो कहा है, चोरी करके भागा ही तो है, भगोड़ा है भगोड़ा। अगर ललित मोदी को भगोड़ा कहा जाए और उसके चाहने वाले लोग अगर उस पर एतराज करते हुए गांधी नाम से उनको दिक्कत होने लगे तो हम ये कह सकते हैं कि आज जो देश में सरकार चल रही है उसको इस बात का तकलीफ है क्योंकि वो चोर चोर मौसेरे भाई है। और वैसे चोर चोर मौसेरे भाइयों को सबक सिखाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा रखने के लिए हम सबको इस नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलना ही। चलो कायनात लेकर चलो, चलो तो जमाने को साथ लेकर चलो। ये मिट्टी लोग हैं, ये नाथू रामदास से के चाहने वाले लोग हैं, ये मानने वाले लोग नहीं हैं, ये नफरत फैला करके सत्ता पर काबिज रहने वाले लोग हैं। ये समय बड़ा कठिन समय है, आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, अनुरोध है, गुजारिश है कि दरखास्त है कि आप अपने अपने गांव में जाइएगा और सारी बातों को जो हमारे आदरणीय नेतागण ने कहा है, हमारे प्रभारी जी जो कहने वाले हैं, उनको एक एक बात को अक्षर से बताने का काम कीजिएगा, तभी जो हमने देश बनाया है उसको बचाने में हम कामयाब होंगे। हत्यारे का जब हम लोग खुलासा करते हैं या उनके हत्यारों के पुजारी का, तो निश्चित रूप से लोगों के मन में तकलीफ होती है और इसलिए आपको इन सारी बातों को लेकर के आगे जाना है कि पहले अंग्रेजों के शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से देश पर कब्जा किया गया था, आज अडानी कंपनी के माध्यम से देश पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं है। आप जानते हैं ये लड्डू बाबू के मैदान में मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं। जब हमारी सरकार झारखंड में नहीं थी तब भी हम यहां आया करते थे और निश्चित रूप से आज हम ये कह सकते हैं कि आप सबों के तमाम जज्बे के कारण आज हम झारखंड के में अपनी सरकार बनाए। और इसलिए केंद्र में सरकार बनाने से पहले आपसे ये गुजारिश करने आए हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। और हम पहले भी कहते थे, याद होगा कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, या यूं कहिए कि मुसलमान से लेकर के हिंदू तक चिल्लाने लगे हैं, अब तो बदल दो गंदे तालाब का पानी क्योंकि कमल के फूल मुरझाने लगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।